जरा सोचो, एक बहुत बड़ी ट्रेन बिना ड्राइवर के बेधड़क पटरियों पर भाग रही हो और उसके अंदर सामान भी ऐसा है कि अगर धमाका हुआ तो पूरा शहर खत्म। मेरा नाम है विशाल, अनोखी फिल्म्स में आपका स्वागत है और चलिए सुनते हैं हमारी आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है विल नाम के ट्रेन कंडक्टर से, जिसका आज ब्रूस्टर यार्ड में नौकरी का पहला दिन था। लेकिन काम पर जाने से पहले वो अपने पुराने घर के बाहर गया, जहां उसकी पत्नी डार्सी उसके बेटे को स्कूल भेज रही थी। उन दोनों का तलाक हो चुका था और कोर्ट ने विल को अपने बेटे को मिलने से भी मना कर दिया था, क्योंकि करीब 2 हफ्ते पहले उसे एक गलत फहमी हो गई थी कि उसकी पत्नी किसी और आदमी से दिन भर बातें कर रही है। जिस आदमी पर विल को शक था, विल ने उसके घर में घुसकर अपनी बंदूक दिखाकर उसे काफी डरा दिया। लेकिन ये आदमी तो पुलिस वाला निकला और डार्सी तो असल में अपनी बहन से बात कर रही थी। खैर, काम पर जाने से पहले विल ने डार्सी को फोन किया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर जब वो यार्ड में पहुंचा तो उसकी मुलाकात इंजीनियर फ्रैंक बांध से हुई। जल्द ही फ्रैंक के दोस्त विल का मजाक उड़ाने लगे, अब ये ट्रेन वाले बच्चों को भी भर्ती करने लग गए क्या? इस पर विल ने भी जवाब दिया, हाँ वो पहले से भर्ती हुए बुढ़े ढंग से काम नहीं करते ना, इसीलिए। उधर फोलर यार्ड नाम की जगह पर ड्यूए और जिलीस नाम के इंजीनियर्स ट्रेन नंबर 777 को पटरी से हटा रहे थे। इस पटरी से आज एक स्कूल के बच्चों की ट्रेन गुजरने वाली थी, जिसमें उन्हें रेलवे सुरक्षा के बारे में बताया जाएगा। तभी जिलीस ने देखा कि ड्यूए एयर पॉइंट्स लगाना भूल गया था, जिसका मतलब ये था कि वो एयर ब्रेक नहीं लगा पाएगा। लेकिन ड्यूए ने कहा कि उसे इस ट्रेन को बस यार्ड तक लेकर जाना है और फिर बाद में वो उसे ठीक कर लेगा, वरना उसे बॉस की डांट सुननी पड़ेगी। जैसे ही उसने ट्रेन आगे बढ़ाई, ड्यूए ने देखा कि पटरी पर ट्रेलिंग पॉइंट का स्विच ढंग से नहीं लगा था, तो वो ट्रेन को आइडल मोड पर करके नीचे उतर गया। फिर ड्यूए ने स्विच तो ठीक कर दिया, लेकिन तभी ट्रेन आइडल मोड से 8वें गियर पर लग गई, जिससे ट्रेन अपने आप ही तेजी से चलने लगी और ड्यूए बेचारा पीछे ही रह गया। अब ट्रेन नंबर 777 बिना किसी ड्राइवर के खुद ही दौड़ती जा रही थी। उधर फ्रैंक और विल को आज 25 डब्बों की एक ट्रेन स्टैंटन शहर तक पहुंचानी थी। तभी विल के भाई ने उसे फोन करके बताया कि उसका वकील जल्द ही जज से उसके लिए अपने बेटे से मिलने की इजाजत ले लेगा। इसके बाद विल ट्रेन को पटरी पर ले जाने लगा और इधर फ्रैंक को याद आया कि वो अपनी बेटी का जन्मदिन भूल गया है। फ्रैंक ने अपनी बेटी को फोन किया, लेकिन उसने गुस्से में फोन काट दिया। खैर, जब उन्होंने अपना सफर शुरू किया और अपने परिवारों के बारे में बात की तो उनकी दोस्ती बढ़ने लगी। उधर फुलर यार्ड में कॉनी नाम के स्टेशन मास्टर को जब खबर मिली कि एक ट्रेन बिना ड्राइवर के पटरी पर जोरों से भाग रही है, तो वो तुरंत कोई ना कोई हल खोजने में लग गया। पहले उन्होंने स्कूल के बच्चों के ट्रेन ड्राइवर को फोन करके उन्हें पटरी बदलने को कहा। ड्राइवर ने एन मौके पर पटरी बदली और 777 ट्रेन पूरी रफ्तार में उनके पास से गुजर गई, जिससे एक भयानक हादसा होते होते बच गया। फिर कॉनी ने वेल्डरनेट को फोन करके उसे अपने ट्रक में 777 ट्रेन से पहले पहुंचकर उसे पटरी पर ब्रेक्स लगाने को कहा, लेकिन ट्रेन की रफ्तार बहुत तेज थी और जब तक नेट वहां पहुंचा तब तक ट्रेन निकल चुकी थी। अब कॉनी ने नेट, ड्यूए और गिलीस को अपनी गाड़ियों में ट्रेन का पीछा करने को कहा और हर एक फाटक पर पुलिस तैनात कर दी। जैसे ही ड्यूए और गिलीस ट्रेन के करीब पहुंचे तो गिलीस उसकी रेलिंग पकड़ने में कामयाब भी हो गया, लेकिन बीच में खंभा आने की वजह से उसे हाथ छोड़ना पड़ा। उधर फ्रैंक और विल भी कई डब्बों वाली ट्रेन के साथ उसी पटरी पर आगे बढ़ रहे थे। तभी उन्हें खबर मिली कि ट्रेन नंबर 777 बिना किसी ड्राइवर के तेजी से उनकी ओर बढ़ रही है, इसलिए उन्हें 10 मील बाद आने वाले कट से पटरी बदलनी होगी। इस ट्रेन की खबर अब टीवी पर भी आग की तरह फैल चुकी थी। इसके लिए कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ऑस्कर गैल्विन ने कॉनी को फोन करके काफी डांटा। उसने पूछा कि ट्रेन में किस चीज का माल है, तो कॉनी ने जवाब दिया कि कोई मॉल्टन फिनोम नाम की चीज है, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि ये है क्या। तब ऑस्कर ने बताया कि मॉल्टन फिनोल तो एक बहुत ही खतरनाक पदार्थ है, क्योंकि वो हवा के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेगा। अब ये ट्रेन आम लोगों के लिए किसी मिसाइल से कम नहीं थी। इसके बाद कॉनी ने कहा कि उन्हें ट्रेन को शहर से पहले आने वाले खेतों में उतार देना चाहिए, ताकि किसी की जान को नुकसान ना हो। लेकिन गैल्विन इसके लिए राजी नहीं हुआ, क्योंकि एक पूरी ट्रेन बर्बाद करने से उन्हें करोड़ों का नुकसान होगा। उसने कॉनी से कहा, देखो बेटा, ट्रेन को उड़ा तो नहीं सकते ना, तो रोकने के बारे में सोचो, ठीक है? फालतू दिमाग मत चलाओ अपना। उधर एक फाटक पर एक ट्रक की दूसरे ट्रक से टक्कर हो गई, जिससे पहला ट्रक खिसक कर पटरी पर आ गया। उस ट्रक में कुछ घोड़े थे जो काफी डर चुके थे, लेकिन आखिरकार पुलिस वाले जैसे तैसे उन्हें बाहर निकालने में कामयाब रहे। पर तभी ट्रेन ने पूरी रफ्तार से आकर उस ट्रक के परखच्चे उड़ा दिए। दूसरी ओर फ्रैंक को एहसास हुआ कि वो 10 मील बाद पटरी नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि उनकी ट्रेन में काफी डब्बे हैं और वो खाली पटरी पर पूरी नहीं आएगी, इसीलिए वो उसी
पटरी पर आगे बढ़ता रहा, जिसका साफ मतलब ये था कि वो बहुत जल्द ट्रेन नंबर 777 से टकराने वाले हैं। अब गैल्विन ने ट्रेन को रोकने के लिए गाड़ियों से कई इंजीनियर्स और दो हेलीकॉप्टर भेजे। उन्होंने जूड नाम के एक ड्राइवर को उल्टी दिशा से एक इंजन में बैठा कर ट्रेन नंबर 777 के आगे लगा दिया और हेलीकॉप्टर से रायन नाम का एक फौजी ट्रेन में घुसकर स्पीड कम करने के लिए कूद गया। जूड ने अपना इंजन ट्रेन के सामने लगाकर ट्रेन की स्पीड थोड़ी कम तो कर दी, लेकिन जब रायन ट्रेन के इंजन में घुसने लगा तो जोरदार झटका लगने की वजह से वो घायल होकर हवा में ही बेहोश हो गया। अब गैल्विन ने कहा कि जूड को अपने इंजन को मोड़कर ट्रेन नंबर 777 को दूसरी पटरी पर ले जाना होगा, लेकिन ट्रेन का भार और स्पीड बहुत ज्यादा होने की वजह से ट्रेन ने जूड के इंजन को पटरी से गिरा दिया, जिससे जोरदार धमाका हुआ और बेचारे जूड की मौत हो गई। उधर फ्रैंक और विल भी ट्रेन नंबर 777 के काफी करीब आ गए थे। तभी फ्रैंक ने अपनी बेटी को फोन करके कहा कि वो उससे बेहद प्यार करता है। अब उनका प्लान था कि वो ट्रेन के पास आने से पहले ही पटरी बदल लेंगे, जिस पर अभी मरम्मत का काम चल रहा था। फ्रैंक समय पर पटरी बदलने में कामयाब रहा, लेकिन ट्रेन नंबर 777 भी वहीं आ गई। उनकी ट्रेन काफी लंबी थी, इसलिए टक्कर की वजह से उनकी ट्रेन के आखिरी डिब्बों के हजारों टुकड़े हो गए। तब फ्रैंक को खबर मिली कि पुलिस स्टैंटन शहर को खाली करवा रही है, क्योंकि अगर कोई ट्रेन को नहीं रोक पाया तो शहर में तो तबाही मच जाएगी। अब फ्रैंक के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने विल से कहा कि उन्हें अपनी ट्रेन का इंजन अलग करके रिवर्स में 787 ट्रेन से जोड़ना होगा, क्योंकि उसने देखा था कि ट्रेन के पीछे के हुक्स खुले थे। अगर उन्होंने अपने इंजन को वहां जोड़ दिया तो हो सकता है कि वो ट्रेन को रोकने में कामयाब रहें। पहले तो विल को लगा कि ये काम बेहद जोखिम भरा है, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि स्टैंटन शहर में तो उसकी पत्नी और बेटा भी है, तो वो तुरंत जान की बाजी लगाने को तैयार हो गया। फिर उन्होंने अपना इंजन अलग किया और रिवर्स में चलाने लगे। उन्होंने कॉनी को भी अपने प्लान की खबर दे दी। जब कॉनी को पता चला कि गैल्विन ट्रेन को स्टैंटन शहर में उतारने वाला है, तो उसके होश उड़ गए। उधर गैल्विन को भी फ्रैंक के प्लान की खबर मिली तो उसने फ्रैंक को धमका कर कहा कि अगर वो नहीं रुका तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन फ्रैंक की रिटायरमेंट तो वैसे ही पास आ रही थी, तो उसे इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद गैल्विन ने गुस्से में कॉनी को उन दोनों को रोकने को कहा, लेकिन वो भी ट्रेन से ज्यादा स्टैंटन शहर वालों की जान बचाना चाहती थी, इसीलिए उसने सिर्फ गैल्विन की बात को सुनने का नाटक किया। असलियत में वो फ्रैंक और विल को ट्रेन नंबर 777 की पूरी जानकारी देती रही। अब शहर की तकदीर फ्रैंक और विल के हाथों में थी। ये सारी खबर डार्सी, उसका बेटा और फ्रैंक की बेटी टीवी पर देख रहे थे। अब वो ट्रेन से सिर्फ आधा मील दूर थे, इसलिए विल इंजन की दूसरी तरफ जाने लगा ताकि वो ट्रेन के हुक्स को जोड़ सके। जैसे ही ट्रेन उनके करीब आई, उसने हुक्स को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन और इंजन की टक्कर होने की वजह से ट्रेन के डिब्बे का दरवाजा खुल गया और हवा के तेज बहाव की वजह से अनाज उड़कर विल के ऊपर गिरने लगा। लेकिन विल अपनी पूरी जान लगाकर जैसे तैसे बीच में लटका रहा और उन हुक्स को जोड़ने में कामयाब रहा, पर इसी बीच उसका पैर बुरी तरह जख्मी हो गया। खैर, किसी तरह वो इंजन में वापस पहुंचा और फ्रैंक ने उसे अपने जख्म पर टेप लगाने को कहा। अब स्टैंटन शहर का मोड़ बेहद नजदीक था, इसलिए फ्रैंक ने कॉनी के बताए तरीके की तरह ट्रेन को उल्टी तरफ खींचने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन की रफ्तार और भार के सामने उनका इंजन कुछ नहीं था। अब विल को एक आइडिया आया और उसने कहा कि उन्हें ट्रेन के हर एक डिब्बे पर जाकर हैंड ब्रेक्स लगाने चाहिए। फ्रैंक मान गया और वो विल को इंजन थमाकर खुद हीरो की तरह छत से कूदता हुआ हर एक डिब्बे की हैंड ब्रेक लगाने लगा। लेकिन अब भी ट्रेन की रफ्तार घटने की जगह बढ़ ही रही थी, क्योंकि इंजन के सभी ब्रेक टूट चुके थे। अब पटरी का मोड़ उनके सामने था और तभी फ्रैंक के कहने पर विल ने इमरजेंसी ब्रेक्स दबा दिए। अचानक लगी इन ब्रेक्स की वजह से ट्रेन काफी टेढ़ी हो गई और साइड की पटरी टूटने लगी, लेकिन विल के बार बार ब्रेक्स लगाने की वजह से आखिरकार ट्रेन मोड़ पार करने में कामयाब रही। इसी के साथ स्टैंटन शहर वालों की जानलेवा मुसीबत टल गई थी। अब फ्रैंक छत से होते हुए ट्रेन के इंजन की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन आखिरी डिब्बे से कूदना उसके लिए मुमकिन नहीं था। उसी वक्त नेड अपनी पुलिस की गाड़ियां लेकर फ्रैंक की मदद के लिए आ पहुंचा। उसने गाड़ी डिब्बे के पास लाकर फ्रैंक को कूदने को कहा। आखिरकार फ्रैंक छलांग लगाकर ट्रेन के इंजन तक पहुंचने में कामयाब रहा और फिर उसने ब्रेक लगाकर आखिरकार ट्रेन रोक ही दी। उसी पल पूरे शहर और पुलिस डिपार्टमेंट में खुशी की लहर दौड़ गई।
वहीं विल एक बार फिर से डार्सी और अपने बेटे से मिल गया। फ्रैंक की बेटी ने भी अपने पिता की बहादुरी से खुश होकर उसे गले लगा लिया। अब फ्रैंक और विल स्टैंटन शहर के हीरो बन चुके थे। इसी के साथ फ्रैंक को अपनी नौकरी वापस मिल गई और विल ने डार्सी से दोबारा शादी करके एक प्यारा सा परिवार बसाया। दूसरी ओर कॉनी की समझदारी देखते हुए उसे गैल्विन की जगह वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।